बरसात और गट्टू चिंकी का छाता। बरसात बच्चों को नहीं पसंद तो किसे पसंद। गट्टू चिंकी भी बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गर्मियां खत्म होने वाली थी और साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी। बरसती बरसात में स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है। गट्टू चिंकी बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों गैलरी में खड़े खड़े बरसात का इंतजार कर रहे थे। क्या यार, जून खत्म होने को है और बरसात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। चिंता मत करो, कल मैंने न्यूज देखी थी, आज बरसात होने की संभावना है। लग तो नहीं रहा, आसमान आईने की तरह साफ है, कैसे होगी बारिश? अचानक मौसम बदल गया, सूरज गायब हो गया और आसमान में काले काले घने बादल छा गए। तेज ठंडी हवा चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और देखते देखते जमकर बरसात बरसने लगी। ये, मैंने कहा था ना, देखो बारिश हो रही है। हाँ यार, पता नहीं कैसे अचानक मैजिक हो गया। चलो बरसात में नाचते हैं, गाते हैं और बरसात का स्वागत करते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी हॉल से भागते भागते घर से बाहर हो गए। गट्टू चिंकी सुनो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, वो दोनों तो सोसाइटी कैंपस में सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बरसात में नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे पर पानी फेंक कर बरसात एंजॉय कर रहे थे। बरसात के साथ साथ स्कूल शुरू हो गए और गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल पहुँचे। गट्टू चिंकी के लिए मम्मी पापा ने प्यारे प्यारे छोटे रंगीन छाते खरीदे थे। वही छाते लेकर मटक मटक कर दोनों स्कूल आए थे। मिश्रा सर क्लास में पहुंचे तो उन्हें एक भी बच्चा नहीं दिखा, बस छाते ही नजर आए। अरे बच्चे कहाँ चले गए? ये सुनकर सारे बच्चों ने छाते ऊपर उठाकर मिश्रा सर को अपना चेहरा दिखाया। हम यहाँ हैं सर। यह देखकर मिश्रा सर हंसने लगे। अरे बच्चों, मैं तो समझ रहा था आज क्लास में छात्र बनकर सारे छाते ही बैठे हैं। ये बताओ तुमने क्लास में ये छाते क्यों खोल रखे हैं? सर बरसात चल रही है ना, हम भीग जाएंगे। अरे तो छाते की क्या जरूरत, क्लास की छत है ना। सर बारिश ने छत फाड़ दी तो छाता ही काम आएगा ना। चिंकी का जवाब सुनकर मिश्रा सर को हंसी आ गई। अच्छा, मतलब छत से भी मजबूत है तुम्हारा छाता। ठीक है, आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे छातों को भी पढ़ाऊंगा। चलो छातों और छात्रों, अपनी अपनी किताबें निकालो। हल्की हल्की बरसात में गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल आते रहे और स्कूल से घर जाते रहे। कुछ दिन बीत गए और अचानक बरसात थम गई। फिर से तेज धूप निकलने लगी और गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर भी बारिश आएगी ऐसा सोचकर दोनों हर रोज छाता लेकर स्कूल आते जाते रहे, लेकिन बारिश तो जैसे गायब ही हो गई। क्या यार, ये छाता तो बोझ बन गया है। हाँ, बरसात ही नहीं तो छाते का क्या काम, हम कल से छाता नहीं लाएंगे। उस दिन गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो छाते को छुट्टी देंगे। दोनों भी अब छाते से बोर हो गए थे। स्कूल खत्म हुआ और गट्टू चिंकी छाता हिलाते हुए घर की तरफ निकल पड़े। उनके साथ साथ हरी और सोसाइटी के बाकी बच्चे भी आ रहे थे। मैंने कल न्यूज देखी, हवामान विभाग वाले कह रहे थे एक महीने तक बारिश होने की संभावना नहीं है, इसलिए कल से छाते को छुट्टी। अरे नहीं, फिर तो छाता लाना ही होगा, हवामान विभाग जो कहता है उसके बिल्कुल उल्टा होता है, देखना बारिश जरूर होगी। हरी ऐसा कह ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और तेज बरसात होने लगी। बरसात देखकर सारे बच्चे बरसाती मेंढक बन गए और छाता खोलकर उसे हवा में इधर उधर हिलाते हुए डांस करने लगे और बरसात का स्वागत करने लगे। तेज हवा की वजह से हरी का छाता उल्टा हो गया और हरी भीगने लगा। यह देखकर सारे बच्चों ने अपने छाते बंद कर दिए और वो भी हरी के साथ भीगने लगे और इंजॉय भी करने लगे। तभी अचानक चिंकी का ध्यान फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर पड़ा। बेचारा बरसात में भीग रहा था और सर्दी से परेशान होकर छींक रहा था। यह देखकर चिंकी को उस पर दया आ गई। हमारे पास छाता है फिर भी हम भीग रहे हैं, बेचारे के पास छाता नहीं है इसलिए वो भीग रहा है, इस छाते की जरूरत हमसे ज्यादा उसे है। फिर क्या, चिंकी अपना छाता खोलकर भिखारी के पास गई और उसे अपना छाता दे दिया। छाता पाकर भिखारी खुश हो गया।
फिर क्या था, चिंकी फिर से उछलती हुई बाकी बच्चों में शामिल हो गई और सारे बच्चे बरसात में भीगते हुए नाचते हुए घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।